हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ वापस घर पे, और बस यही तैयारी चल रही है आज की। बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। इतने दिनों बाद रह के जाना तो पड़ता ही। सही बात है, अभी तो भी नहीं सो रही है। हाँ, उठेगी तो बहुत करेगी, मिस करेगी। कल से ऐसा लग रहा है कि इतना रोना आ रहा है कि बस बहुत सारा रो लो। ज्यादा दिन रह जाओ ना, फिर यही होता है। और यहाँ तो हमेशा आओ तब यही हालत होती है, जाने का मन नहीं करता। बस तो पैकिंग ही चल रही है, मम्मी ने खाना वगैरह सब रेडी कर रही है। मम्मी और डूबा भी सो रहे हैं, तो उनको दीदी आप ही बिनी को लेना, तो ये उठेगी। ठीक है, यहाँ पर प्रीति बना रही है खाना, पूड़िया बना रही है, और भैया सेकेंगे पूड़ी। आज भैया की ड्यूटी लग गई है सेकने की। और डुगू अभी सो के उठा है, अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर रहा है। करो बेटा जल्दी जल्दी। ये हमारे भगवान जी, हमारे लड्डू गोपाल जी। विनी अभी सो रही है तो आपको दिखाती हूँ अंदर है। सो रही है, ये सो रही है मेरा बच्चा। क्यूटी पाई, पता चलेगा अभी जा रही है वो, बहुत रोएगी। वैसे उसे पता है, लेकिन समझा दिया था। अब देखिए बच्चा, और ये देखिए डुगू, ये छोटे से ना विनी को पैरों पे ही प्यार करता है। मेरा बेटा उठ गया, उठो, मॉर्निंग हो गई है। नहीं जा रही ना, नहीं जा रही, नहीं जा रही। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और सभी लोग रेडी हो गए। ये सब लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं। आज हम सब लोग जाएंगे दीदी को छोड़ने। मैं तो कह रही मुझे दिल्ली तक छोड़ाओ। नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका जैन व्लॉग में आपको स्वागत होंगे। सो फ्रेंड्स, हम जैसे स्वीटी काम दोनों छोड़ने, चलो चलते हैं। तब तक बाय बाय, गुड नाइट। फ्रेंड्स, अभी मैं सब लोगों को राखी बांध देती हूँ, तो ये भी कर लेते हैं काम फटाफट से, फिर निकलते हैं। हमारी विनी राखी बांध रही है डुगू को। देख लो कि कितना बढ़िया हैक है। थैंक यू। विनी मेरे राखी बांध रही है। अपने फूफा जी को ये राखी दिखाना। नो, आप दिखाना अपने फूफा जी को। आप बोला कि ये विनी ने बांध दी। विनी ने बांध दी है, तो मैं आपके फूफा जी को दिखा दूंगी, ठीक है?
पापा सब चल दिए हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान जी की जय। जय भोले बाबा की जय। बंद अब नेक्स्ट ईयर आएंगे तब चलेंगे। इतनी बस किस लिए है? मैच चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग आपरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही बस ट्रेन आ जाएगी और बस हम लोग चले जाएंगे। तो अभी हम लोग बैठे हैं ट्रेन में और विनू को लग रहा है कि हम सब लोग जा रहे हैं बुआ के साथ दिल्ली, तो बड़ी खुश हो रही है। चलोगे मेरे साथ? हाँ, मुझे चलना है भी आपके पास। अभी नहीं आना, मम्मा लेके आएगी ना तब आना, ठीक है? मम्मा लेके आएगी, ठीक है? ठीक है, मुँह कैसा कर लिया है। और जैसे ही सब लोग ट्रेन से बाहर गए हैं तो विनी बहुत ज्यादा रोने लगी है, उसका रोना देखा नहीं जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन भी चल दी है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना दिल्ली तक का सफर। तो अभी अभी भैया का फोन आया था और वो बता रहे थे कि विनी बहुत ही ज्यादा रो रही थी रास्ते में भी, और रोते रोते कैब में ही सो गई। और बस वो लोग अभी अभी घर पहुंचे हैं। यहाँ पर डुग्गू भी बहुत मिस कर रहा है विनी और सभी लोगों को, और साथ में मैं भी। तो हमारी ट्रेन सुबह 10 बजे पहुंचेगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और वहां पर डुगू के डैडी आ जाएंगे हम लोगों को लेने के लिए। तो यहां पर इवनिंग स्नैक्स भी सर्व हो गया है और डुगू बता रहा है कि क्या क्या आया है। तो इसमें सून केक और टमाटो केचप टी और ये वो कचौड़ी और सैंडविच। मिनी को मिस कर रहा है, अभी खा लो ठीक है। अभी हम लोग धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और 2 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन रुकती है। ट्रेन अभी धनबाद से चल दी और यहाँ पर हमारा डिनर भी आ गया है। चलो डिनर करें। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी अभी सो के उठे हैं और डुगू भी उठ गया है। हम दोनों में से रात में कोई भी अच्छे से नहीं सोया, और डुगू तो रात में ट्रेन देखता रहा तो बस सुबह ही सोया है वो। और बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और डुगू के डैडी हमें रेलवे स्टेशन पर ही मिल गए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।